ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। 1 सितंबर से लेकर अब तक पूरे देश के ट्रांसपोर्ट उद्योग में आजकल सिर्फ एक ही चर्चा है, वो है जुर्मानों की। जुर्मानों के अलावा और भी संशोधन हुए थे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का मुद्दा था कि अब उसके लिए 8वीं पास की शर्त नहीं रही है। तो ये तमाम मुद्दे आज की डेट में डिस्कशन में बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हर दिन नई स्टेट से कोई ना कोई खबर आ जाती है कि जहाँ पर जुर्माने लागू होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे। कई जगह से खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। तो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम कोशिश करेंगे आपको क्लैरिटी देने की, देश के 18 जो राज्य हैं वहां पर क्या स्थिति है जुर्मानों को लेकर और ड्राइविंग लाइसेंस के प्रावधानों को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। आपको याद होगा कि सबसे पहले गुजरात से खबर आई थी, अगर हम बीजेपी स्टेट्स की बात करें, कि वहां पर जो है नए जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जुर्माने हैं उसमें 90% की कटौती कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ट्रांसपोर्ट टीवी ने गुजरात के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में संपर्क किया तो हमें ये पता चला कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन वहाँ पर जारी नहीं हुई है जिसमें कोई 90% कम करने की बात कही गई हो। ये सिर्फ प्रेस रिलीज है, सिर्फ मीडिया को बताया गया है। अब बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि अगर नोटिफिकेशन कोई नया नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि पुराने जुर्माने जो पहले से लगते आ रहे हैं वही अभी तक गुजरात के अंदर लागू हैं, जब तक कोई नई नोटिफिकेशन गुजरात सरकार की तरफ से नहीं आ जाती। और हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। वहां से भी ये खबर आई पूरे देश के मीडिया में कि उत्तराखंड ने 50% तक जो है जुर्माने कम कर दिए गए हैं। लेकिन यहां पर भी कहानी सेम है। जब हमने उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि अभी तक हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की है जिसमें कोई जुर्माने कम किए गए हों। इसका मतलब यह है कि वहां पर भी अभी पुराने जुर्माने ही लागू हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। वहां से भी खबर आई थी पूरे मीडिया के अंदर के वो गुजरात मॉडल फॉलो करेंगे। जैसे गुजरात ने 90% कम कर दिए हैं जुर्माने, वैसे ही महाराष्ट्र भी 90% कम करेगा। लेकिन जैसे ही हमारा संपर्क ट्रांसपोर्ट टीवी का महाराष्ट्र में हुआ तो उन्होंने बताया कि फिलहाल हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और ना ही हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है। हमने सिर्फ एक पत्र लिखा है नितिन गडकरी जी को, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन जो जुर्माने है वो बेतहाशा ज्यादा है, इसे कम करने पर दोबारा विचार करें। सिर्फ इतनी बात महाराष्ट्र में हुई है। इसका मतलब ये है कि वहां पर भी नए जुर्माने अभी लागू नहीं है, जो पुराने जुर्मानों की दरें हैं वही महाराष्ट्र में अभी तक लागू हैं। इसके बाद आपको बता दें कि कर्नाटका में भी सेम स्टेटस है, उन्होंने भी वो भी गुजरात की तरफ देख रहे हैं कि जैसे गुजरात करेगा वैसे ही होगा। इसका मतलब यह है कि वहां पर भी अभी पुरानी दरें चल रही हैं जुर्मानों की। इसके बाद तेलंगाना में साफ साफ वहां की सरकार ने मना कर दिया है। उनका कहना है कि हमें कोई जल्दी नहीं है जुर्माने लागू करने की, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वहां के उन पर कोई एक्स्ट्रा बोझ बढ़े, इसलिए जो पुरानी दरें हैं जुर्मानों की वही चलती रहेंगी। इसी तरह से केरला ने भी जो नई दरें हैं उनको लागू करने से मना कर दिया है। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी नई जो दरें हैं जुर्मानों की वो लागू नहीं हुई हैं। लेकिन बीते दिनों एक स्टेटमेंट जरूर आई है, मीडिया में आई है पंजाब से, कि वहां की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे करके इनको लागू करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी पुरानी दरें ही चल रही हैं। इसी तरह से राजस्थान के अंदर भी अभी जुर्मानों की पुरानी दरें ही लागू हैं। उड़ीसा की बात करें तो वहां की सरकार ने कहा है कि हमें अभी 3 महीनों का वक्त चाहिए इसको स्टडी करने के लिए, तो 3 महीने के बाद ही कोई वो फैसला लेंगे कि नई जो दरें हैं उनको लागू करना है या नहीं करना है। वहीं पर गोवा की आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि जनवरी 2020 से, यानी कि अगले साल से वो लागू करेंगे, फिलहाल पुरानी दरें ही वहां पर लागू हैं। इसके बाद चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करें तो वहां पर नई दरें जो हैं वो लागू हो चुकी हैं। इसी तरह से हरियाणा, बिहार, असम और त्रिपुरा, यहां पर भी सारे के सारे जो संशोधन है वो लागू हो चुके हैं, नई जो दरें हैं जुर्मानों की वो लागू यहां पर हो चुकी हैं। एक ऐसा राज्य है वेस्ट बंगाल जिसने ना सिर्फ ना तो जुर्माने बढ़ाए हैं वहां पर और ना ही जो बाकी के संशोधन है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, उनमें से भी किसी भी जो प्रोविजन को लागू वहां पर नहीं किया गया है। पूरी की पूरी जो अमेंडमेंट्स है उसको नकार दिया गया है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा। तो हमने जो आपको अभी स्टेटस बताया वो देश के 18 राज्यों का बताया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ इन 18 राज्यों में से सिर्फ 6 राज्यों में
ये जो नए जुर्माने हैं वो इंप्लीमेंट हुए हैं, 12 राज्यों ने इन 18 में से मना कर दिया है, अभी नए जुर्माने लागू नहीं किए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि पूरे देश के अंदर नए जुर्मानों को लेकर काफ़ी शोर शराबा चल रहा है, काफ़ी नाराजगी भी चल रही है, लेकिन ज़्यादातर देश के अंदर ये अभी तक इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं है। और जिन राज्यों में हैं, जैसे दिल्ली के अंदर हैं, वहाँ पर भी अभी प्रेशर वहाँ पर बनाया हुआ है, हाल ही में वहाँ पर चक्का जाम भी इसको लेकर हुआ, हो सकता है आने वाले दिनों में वहाँ पर भी कोई ना कोई राहत इनको लेकर हो जाए। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो जुर्माने हैं नए नितिन गडकरी साहब ने इम्प्लीमेंट किए हैं, अच्छा होता कि इनको लागू करने से पहले ये जो तमाम राज्य हैं उनसे अच्छे से डिस्कस कर लिया जाता, क्योंकि उनके लिए भी एक नमोशी भरा काम हो गया है, क्योंकि उनकी खुद की सरकारें गुजरात के अंदर हो या फिर महाराष्ट्र के अंदर हो, वो इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और खास करके महाराष्ट्र की बात करें तो वो उनकी होम स्टेट है, और जो गुजरात है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होम स्टेट है, और उन्हीं दो स्टेटों के अंदर ये जो नए प्रावधान है वो लागू नहीं हुए। तो अच्छा होता इनको लागू करने से पहले अगर वो सभी से उनकी सहमति सभी राज्य सरकारों की इसको लेकर ले लेते हैं। उसके बाद बात करें जो ड्राइविंग को लेकर प्रावधान है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के जो 8वीं पास की जो शर्त थी उसे हटा लिया गया है। तो हम बताना चाहेंगे कि जो हम 18 राज्यों की हमने बात करी उसमें से सिर्फ वेस्ट बंगाल को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे राज्यों में ये प्रावधान लागू हो चुका है। आपको हैवी लाइसेंस बनाने के लिए किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि कई जगह लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, आप लोग आरटीओ में जा रहे हैं वो वहाँ पर आपको मना कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको ये कहना चाहेंगे कि कानून बन चुका है, कानून लागू हो चुका है। अगर आपका आरटीओ आपकी बात नहीं सुनता है, आपका लाइसेंस नहीं बना रहा है, तो आपको अपनी जो है संस्था के स्तर पर, अपनी यूनियन के स्तर पर वहाँ पर आरटीओ को जाकर मिलें, वो नहीं सुनता है तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलें, और या फिर वहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलें, या फिर आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट से आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी जुर्मानों और ड्राइविंग लाइसेंस के प्रावधानों को लेकर। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।